हरियाणा विधानसभा में गूंजा पुलिस की दबंगई के कारण हुआ मेवात के सलंबा मोड़ दुर्घटना का मामला। बता दें कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता एवं नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने गत 19 मार्च को सलंबा मोड़ पर पुलिस द्वारा डंपर के टायर में गोली मारने से हुए पड़े हादसे का मामला हरियाणा विधानसभा में मुखर आवाज में उठाया। चौधरी आफताब अहमद ने मेवात में पुलिस की गुंडागर्दी पर सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि एक जिले के साथ ऐसा व्यवहार अमानवीय है जिसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि हमारे क्षेत्र में ट्रैक्टरों के बड़े बड़े चालान काटे जाते हैं, पुलिस अपराधियों को तो पकड़ती नहीं है बल्कि गाड़ियों और ट्रैक्टर चालकों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार करती है। चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि अगर किसी गाड़ी में लगता है कि यह ओवरलोड है या गैर कानूनी है तो उसका चालान काटा जा सकता है। गाड़ियों के रजिस्टर नंबर से भी चालान काटे जा सकते हैं, मगर पुलिस तो गाड़ियों पर गोलियां चलाती है जिससे बड़े हादसे होते हैं। गत 19 मार्च को ही पुलिस की दबंगई के कारण 2 की मौत और 14 लोग घायल हो गए थे। सरकार पुलिस प्रशासन पर लगाम लगाए और इस तरह की गुंडागर्दी बंद की जाए, जिस पर चौधरी आफताब अहमद और सरकार के मंत्री के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई। लेकिन चौधरी आफताब अहमद ने पुलिस के व्यवहार पर लगातार सवाल खड़े करते रहे, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर कार्रवाई की जाएगी। चौधरी आफताब अहमद पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ लगातार सदन में अपनी आवाज़ बुलंद तरीके से उठाते नजर आए, जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कहना पड़ा कि पुलिस का ऐसा व्यवहार गलत है और हम आगे इस पर आवश्यक कदम उठाएंगे। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। मेवात सिटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। श्री आफताब अहमद जी 1784 सर, श्रीमान जी राज्य में जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक ट्रैक्टरों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा अति भार के लिए 1,25,371 चालान जारी किए गए हैं तथा इन चालान से 5,535,81,00,000 रुपए की राशि प्राप्त की गई है। इसका जिलावार विवरण भी साथ लगा हुआ है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि ओवरलोडिंग का जो है कानून है उस पर चालान करिए, लेकिन जो मेरे ज़िले में जिस तरीके से चालान की है वो ओवरलोडिंग ट्रक जो है उसकी तो बात जो है अलग है। हमारे यहाँ ट्रैक्टरों के भी चाहे वो अपना सामान ला रहे हों, चाहे ईंट ला रहे हों, चाहे रोड़ी पत्थर ला रहे हों, मंत्री जी मैं आप बता रहा हूं, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। एक दिन मैं गया था कि चौकी पे लाइन की लाइन खड़ी करके ट्रैक्टरों को करके कर रखी थी। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो कानून है उसमें करिए, लेकिन जो किसान और जो किसी चीज के लिए हैं कम से कम उन पे तो इस बात के लिए अपने लिए अगर वो लाते हैं तो उसका तो ये करिए। ओवरलोडिंग जो आती है, मेरा छोटा सा स्ट्रेच है और उसमें भी आप देख सकते हो कि 30 करोड़ के 3 महीने मतलब साल में चालान जो है आपके दिखा रखे हैं। ओवरलोडिंग अगर कोई करता है तो उसका जुर्माना भरता है, लेकिन सर जो ट्रैक्टर जो है और उसका ओवरलोडिंग। और सर दूसरा ये है, हमारे जिले में पुलिस की ओवरलोडिंग का इतना आतंक है कि पुलिस जो है चोर और अपराधी को तो पकड़ती नहीं है, लेकिन ट्रकों के पीछे ऐसे भागती और ऐसे करती है। अभी 3 दिन पहले ही एक ट्रक को पीछा करते हुए और उसमें बताते हैं कि गोली भी चलाई पुलिस के द्वारा, उसके बाद उस ट्रैक्टर का असंतुलित होने से बेवजह 2 लोगों की जान गई और 14 लोग घायल हो गए। मेरा ये है मंत्री जी, आप चालान करिए लेकिन कम से कम अमानवीय तरीके से, और कम से कम इतनी ताकत पुलिस को तो मत दीजिए कि उसके आतंक से जो है ट्रक ड्राइवर जो है इतना विचलित हो जाता है जिससे कि उसको जो है एक्सीडेंट करना पड़ा और उसमें मतलब लोगों की बेगुनाह हो कि जान गई। तो इसलिए सर मेरा यह है कि अपनी व्यवस्था को सुधार करिए और
पुलिस डिपार्टमेंट और अपने डिपार्टमेंट को इस बात के लिए सुनिश्चित करिए, आपके पास नंबर है चालान करना उसका जब भी हो जाएगा ना, रजिस्टर्ड व्हीकल है किसी चीज का ऐसा, लेकिन उसके पीछे ऐसे भागना जैसे चोर डाकू के पीछे भाग के और उसके गोली चला के और उसका एक्सीडेंट कर देना, उससे बेगुनाहों की जान जाना। अध्यक्ष महोदय, जो विधायक जी ने कहा है, हम उन्हीं ट्रैक्टर या ट्रॉलियों का चालान करते हैं जो कॉमर्शियल के काम करते हैं, बाजार में मैंने मतलब ईंटे भर के ले जाना, मंडी में सप्लाई करना, और हम जो घर के लिए जो किसान सामान लेके आता है उस पर चालान नहीं करते। वो कहता है मेरे घर का सामान, अगर रोज ही घर के लिए सामान लाएगा डेल ढोना उसको, वो सुबह कहता है जी इतने लेके जा रहा हूँ, आज ले गया कल ले गया, लगातार काम है कॉमर्शियल काम। हम उन्हीं को चिन्हित हैं, चाहे रोड़ी है, बजरी है, ईंट है, उनका ही चालान। हम लोहे की कोई लोहा लेके आ रहा है घर के लिए, उसका कोई चालान नहीं करते। कोई गेहूं के डबल भर के लेकर उसका चालान हम नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं करते हैं कि राजस्थान का इलाका पड़ता है, और राजस्थान से इलाका जो मेवात का इलाका, यहाँ से निकल के जो ट्रक आते हैं और गुड़गांव हाईवे पर आते हैं, ये उस इलाके का। और मुख्यमंत्री पिछली बार सदन में कहा था नयनपाल रावत ने, जो जो घर के लिए सामान लेके आता है उसके लिए हमने कोई चालान करा नहीं पिछले समय। और जो इसकी बात इन्हें विधायक जी ने कहा है कि बार बार मेरे साथी कहते हैं कि ओवरलोडिंग है जी, चालान चल रहा है, बार बार कहते हैं, और हमने कहा 535 करोड़ रुपए जो 3 साल में हमने करे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इनको लगाम, जो इस तरह से बेलगाम जो व्हीकल चले, इनको सबको लगाम लगाने का काम करा है। और कोई इस तरह की विधायक साथी कहें, कोई इस तरह से बदतमीज होते अवश्य बताएं, उसके खिलाफ करेंगे। तो पुलिस प्रशासन हमारा ओवरलोडिंग को रोक रहा है, किसी से हमें ये नहीं करना है दुश्मनी, किसी दुश्मनी हो, किसी ईर्ष्यावध करते हो, आप कहें अवश्य करेंगे। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही हैं, मैं आग्रह करूंगा कि जो भी गैर कानूनी काम करे, हम उसे आपसे नहीं कह रहे कि उसे, लेकिन कम से कम कोई मापदंड किसी तरह का तो ये तो होता है। ये तो नहीं कि आप इस तरीके से खुली झूठ दे देना कि पुलिस को कि एक अपराधी को पकड़ना और उसे करना और एक ट्रक के पीछे इस तरीके से भागना जैसे उसके इतना बड़ा अपराध कर दिया हो। नंबर है, रजिस्टर्ड व्हीकल है, उसका चालान जब भी हो जाएगा सर किसी चीज के लिए, तो मैं कहूंगा कि प्लीज इंस्ट्रक्ट द ऑफिशियल देयर कि जो करना है उसे अपने उससे करिए, ज्यादती ना करें लोगों के साथ, इस तरीके के हालात ना पैदा हो कि उसमें एक्सीडेंट हो। और सर दो आदमी गए, हम धरने पे बैठे, हम मतलब करके, और आपके संज्ञान में उसको नौकरी का, उसकी कंपनसेशन का भी हमने जो है आपसे मांग करी थी, जिसको स्थानीय प्रशासन ने उसके। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे साथी कोई इस तरह का नहीं होगा, वही होगा जो मर्यादा में है, जो कानून है उसके खिलाफ कौन जाएगा आप बताएं, अवश्य कार्रवाई करेंगे। श्री अमित सियाल जी, अध्यक्ष जी ये बात ठीक है, हमारे आदरणीय सदस्य अफ्ताब जी ने कहा है कि इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि एक मर्यादा में रह करके चालान और ये सब नंबर नोट करें। एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, खास करके नू जिले के हमारे ड्राइवर बंधुओं से, कि वो भी एक व्यवहार के नाते अगर कहीं पुलिस रोकती है तो रुके। अभी क्या होता है कि पुलिस रोकती है, वो रुकते नहीं है, उसमें से शंकाएं 10 तरह की पैदा होती हैं कि कितना ले जा रहा है, क्या माल ले जा रहा है, कौन ले जा रहा है। आखिर हमें भी अपने आप में वहाँ एक विषय फैलाना चाहिए कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस रोकती है रुके, चलान होता है चलान कराएं, उसमें जुर्माना आता है जुर्माना है, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो दोनों तरफ से परस्पर विश्वास, परस्पर ट्रस्ट ये बनना चाहिए। पुलिस को भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को भी इस प्रकार से दौड़ करके कि हम कुछ भी करते रहेंगे कोई चेक नहीं करेगा, ये भी उचित नहीं है। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंटरवेंशन करिए, आप वहाँ आईजी को भेज दीजिए, मीटिंग रख ले, हम भी उनके पक्ष का जो है ड्राइवर का पक्ष रखेंगे, अमानवीय हो। और सर अगर गलती है ड्राइवर की है, लेकिन पुलिस ऐसी ज्यादा ना करे।